नकली नोट बेचने का झांसा देकर भंडारा जिले के एक व्यक्ति को लगभग 7,50,000 का चूना लगाए जाने के मामले में नंदनवन थाने के कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना तय होने की जानकारी सामने आई है। इस मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और किसी भी समय नंदनवन के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि किसी भी अधिकारी ने इस मामले की पुष्टि नहीं की। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नंदनवन थाना क्षेत्र के किसी पप्पू ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर भंडारा के व्यक्ति को चूना लगाने का खेला किया। सूत्रों ने बताया कि पप्पू नामक व्यक्ति नोट डबल करके देने का झांसा देने का काम करता है। स्वयं के पास नकली नोट होने और आधी कीमत में उसे बेचने का झांसा देता है। हालांकि पप्पू के पास किसी प्रकार के नकली नोट नहीं होने की जानकारी है, लेकिन वह केवल शिकार को लालच में फंसाने के लिए ऐसा करता है। लोग उसके पास असली नोट लेकर आते हैं और इसी बीच पुलिस वाले वहां आ धमकते हैं। असली पुलिस वाले नकली नोट का कारोबार किए जाने का आरोप लगाकर असली नोट बरामद कर लेते थे और मामला रफा दफा हो जाता था। अब इस जालसाजी में कितने लोग फंसे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन भंडारा का व्यक्ति चालाक निकला और उसने उसे ठगे जाने की शिकायत सीधे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कर दी। सूत्रों ने बताया कि भंडारा जिले का यह व्यक्ति अपने साथ 10,00,000 रुपए लेकर आया था। पप्पू ने उसे 10,00,000 के बदले में 20,00,000 नकली नोट देने का लालच दिया था। सीधे 10,00,000 की कमाई होने के लालच में भंडारा वाला फंस गया और पैसे लेकर पप्पू के पास पहुंच गया। पप्पू ने नोट गिने और इसके बदले नकली 20,00,000 देने का वादा कर अपनी गैंग के लोगों को बुला लिया। इस डील के दौरान ही नंदनवन के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए और नकली नोट का कारोबार करने का आरोप लगाते हुए पप्पू और भंडारा के व्यक्ति को धमकाया। भंडारा वाले को कड़ी पुलिस कार्रवाई का डर दिखाया गया। बताते हैं कि कार्रवाई नहीं करने के बदले असली पुलिस वालों ने भंडारा के व्यक्ति से पूरे 10,00,000 मांगे। बातचीत के बाद मामला 7,00,000 में तय हो गया। भंडारा का व्यक्ति पुलिस वालों को 7,50,000 रुपए थमाकर वहां से चला गया, लेकिन बाद में उसे पप्पू और पुलिस वालों की हरकतों पर संदेह हो गया। उसने अपने परिचितों से सलाह मशविरा करने के बाद इसकी शिकायत एक वरिष्ठ अधिकारी से कर दी। अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू करने के निर्देश दिए। बताते हैं कि जांच के दौरान भंडारा के व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित पाए गए हैं। अब किसी भी समय नंदनवन के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उमेश लिनारदर तिगरे हे लाखांदूर जवळच्या सरांडे गावला राहतात। त्यांचा मित्र आहे हरिदास राऊत। याची 2021 उमरेडला राजू उर्फ काल्या यांच्यासोबत झाली। राजा काल्याने त्यांना सांगितलं की आम्ही एका महिन्यामध्ये डबल पैसे देतो असं त्यांना सांगितलं। त्यानंतर त्यांनी ते चार मित्रांनी मिळून जवळपास 7,50,000 रुपये जमा केले आणि ते पैसे घेऊन 20 जुलैला सेवास्टार हॉस्पिटल आले। त्यावेळी राजू काल्यासोबत पप्पू अवस्थी, त्याचा मुलगा आशुतोष अवस्थी एका ऑडी गाडीमध्ये आले। त्याच्यापैकी तिगरे आणि राऊतला त्यांनी गाडीमध्ये बसवलं, पुढे नेलं, पैशाची मागणी केली। त्यांनी पैसे कसे दुप्पट करेल असं विचारलं असतं। त्यांनी त्याला धमकी दिली, मारहाण केली, चाकू दाखवला आणि त्यांचे 7,50,000 रुपये जबरीने हिसकावून चोरून नेले। अशावर राजू काल्या, पप्पू अवस्थी व आशुतोष अवस्थी तर 7,50,000 रुपये धमकी देऊन जुलमाने आणि जबरीने चोरून नेल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। याच्यामध्ये आम्ही आवाहन करत आहे की पप्पू अवस्थी, त्याचा मुलगा आशुतोष अवस्थी आणि राजू काल्या यांनी पैसे डबल करून देतो किंवा इतर कारणाकडून ज्यांच्याकडून पैसे घेतले असेल त्यांनी पोलिसांना येऊन तक्रार द्यावी। आम्ही त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई करू असं मी जाहीर आवाहन करतो। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।